कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है, एहतियात की जरूरत है, आवाम को एसओपीज पर अमल दरामद करना होगा, तफरीही मकामात पर जाने से गुरेज किया जाए। विफाकी वजीर असद उमर की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईद सादगी से मनाएं, एसओपीज लोगों की जानें बचाने के लिए बनाए हैं, ईद के बाद सियाहत का जायजा लेंगे। वबा अभी तक मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, इस सूबे के अंदर भी मौजूद है और आगे हमारे पास एक बहुत बड़ा इम्तहान आ रहा है और वो ईद, एहतियात के साथ और अपनी और अपने प्यारों की ईद जो है उसको मनाएं। हम सादगी के साथ ईद मनाएं, इंशाल्लाह ताला जैसे ही हालात बेहतर होंगे और ये खोलेंगे सियाहत के मकामात को तो दोबारा से आपकी मेहमान नवाजी भी करेंगे और चाहेंगे कि सब आपके पास आए भी। तो आवाम से यही गुजारिश है, यही अपील है कि आप भी एसओपीज को फॉलो करें और ईद सादगी से मनाएं। जिस तरह आप सबको पता है कि हमारे बहुत से लोग इस वबा में शहीद हो चुके हैं, जितनी भी एसओपीज या अगर हमने आप पे कोई बंदिश लगाई है तो ये इसलिए भी लगाई है ताकि जानों को नुकसान न हो और हम अपने लोगों की जानें बचा सके। तो ये इंशाल्लाह ईद के बाद इस पर बैठ के टूरिज्म सेक्टर पर भी बात कर लेंगे।